हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर इनकमिंग कॉल, नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड आप कैसे ठीक कर सकते हैं इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम्स को अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं इनकमिंग कॉल, नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे और कैसे अपने फ़ोन में इनकमिंग कॉल, नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन से आपके फ़ोन में ओपन हो जाएंगे, देख सकते हैं कि ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे, जिस पे जाकर फ़ोन की इनकमिंग कॉल्स की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन में। जैसे आप करना चाहते हैं इनकमिंग कॉल्स प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर पाएंगे। सिंपली बस आपको स्लाइड करते हुए देख सकते हैं जाना है ऐप सेटिंग्स पे। तो ऐप सेटिंग्स पे जाकर इनकमिंग कॉल्स की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जब आप परमिशंस को आप यहाँ से जाते हैं और यहाँ से अपने फ़ोन का डाटा ही क्लियर करते हैं और साथ में जो भी नोटिफिकेशन, जो परमिशंस होती हैं आपके फ़ोन की, उसको आप यहाँ से अलाउ कर देते हैं तो आपके फ़ोन की इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और इस तरीके से अलाउ करके इनकमिंग कॉल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इनकमिंग कॉल्स वगैरह को स्क्रीन पर शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी इनकमिंग कॉल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम को भी ठीक कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।